हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये टेबल में हमने पासवर्ड लगाया है और पासवर्ड जो है हाइड है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये इनक्रिप्टेड है। तो इस तरह की चीज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन में कैसे कर सकते हैं, ये चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है। तो टेबल पे चलते हैं और इस टेबल को मैं नाम एक दे दूंगा, इसे मैं नाम दे देता हूं पासवर्ड। ठीक है, क्या नाम दिया मैंने, पासवर्ड नाम दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर आईडी आ रही है, इस आईडी को हम बनाएंगे यूजर नेम। क्या बनाएंगे, यूजर नेम। तो यहां पे लिख दिया मैंने यूजर नेम और इसे रखेंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट। ओके, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया। अब यहां पर देखिए यूजर नेम तो हाइड नहीं है, लेकिन पासवर्ड को तो हाइड रखना है ना। आप एक्चुअल में यूजर नेम को भी हाइड रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन पासवर्ड को जनरली मैं हाइड करके दिखाता हूं। और यहां पर लिखता हूं मैं पासवर्ड। ठीक है, तो यहां पर लिखा मैंने पासवर्ड। ठीक है, और यहां पर आकर के इसे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। और जैसे ही यहां पर आएंगे इनपुट मास्क पर, तो आपको थ्री डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इससे भी पहले मैं क्या करता हूं, ये जो पासवर्ड है इसको प्राइमरी की बना देता हूं। तो ये प्राइमरी की बन गई। ठीक है, और अब इनपुट मास्क पे आइए आप, ये जो इनपुट मास्क है यहां पर आ जाइए। और यहां पर आने के बाद ये थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए, इसको सेव कीजिए और इसको बना दीजिए पासवर्ड। और पासवर्ड बनाने के बाद इसको फिनिश कर दीजिए और यहां पर आप सेव पे क्लिक कीजिए। तो यहां पर यूजर नेम आ रहा है। ठीक है, तो यूजर नेम तो हाइड नहीं है, यूजर नेम तो दिखाई पड़ेगा। अब पासवर्ड देखिए, मैं डालता हूं पासवर्ड, तो ये देखिए ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। और अगर आपको ऐसा करना है तो यही मेथड अपनाना होगा। अब इसको फॉर्म में अप्लाई करना है, तो क्रिएट पे चल के डायरेक्टली मैं फॉर्म बना देता हूं। ये फॉर्म हमने बना दिया। ठीक है, और अब इसमें भी देख सकते हैं यही चीज अप्लाई हो चुकी है। अब फॉर्म को थोड़ा शेप में लेके आते हैं, यहां से थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं ये इस तरीके से। और इस पे कोई कलर भी चाहे तो लगा सकते हैं आप, तो ये कलर मैं लगा लेता हूं और इस पे जो है ब्लैक कलर कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूं इस तरीके से। ओके, और इसको हटा करके ये एक्सेस की साइन को हमें हटाना है, एक्सेस का सिंबल हमें नहीं चाहिए, तो ये हटा दिया हमने। और थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं ये इस तरीके से। ओके, और अब देखिए ये इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। यहां से व्यू पे अब क्लिक करना है हमें, ये जो व्यू दिखाई पड़ रहा है ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहां पर दूसरा यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं। तो यहां देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूं और पासवर्ड डाल रहा हूं, तो ये इस तरीके से इनक्रिप्टेड फॉर्म में शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इनपुट मास्क का उपयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग हैं इनपुट मास्क के, आगे के वीडियोस में बताता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।